हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ वाराणसी। मुझे काशी विश्वनाथ जाना था, कई बार मेरा प्लान भी बना लेकिन मैं वहाँ पे रह भी रही थी तो भी मतलब लाइक 3-4 बार मैं वहाँ पे गई तो भी मेरा प्लान ऐसा बना नहीं कि मैं काशी जाऊँ। लेकिन इस बार तो मैंने ठान रखा था कि मैं काशी जाके ही रहूँगी। तो अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ, बड़ौदा एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी दिल्ली फ़्लाइट है, उसके बाद मेरी दूसरी फ्लाइट है वहाँ से वाराणसी। तो काशी विश्वनाथ के आपको मैं दर्शन कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। हेलो, सो मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली और दिल्ली से मैं जाऊँगी वाराणसी। यहाँ पे मुझे टर्मिनल चेंज करना है और मेरे सारे बैगेज मुझे मिलेंगे वाराणसी में। दिल्ली इज़ मेन हब, क्योंकि दिल्ली से सारी फ्लाइट मिल जाती है आसानी से, इसलिए मैं हमेशा दिल्ली ही चूज़ करती हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ मैं काशी विश्वनाथ। बहुत ही अच्छे हुए और मैंने आज पहली बार काशी विश्वनाथ जी के जो शिवलिंग है उनको मैंने छुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनको छूते हैं तो जितनी 12 ज्योतिर्लिंग है या जितनी भी आपने ज्योतिर्लिंग किए हैं जीवन में उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ से, काशी से। जो मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा और मेरे फ्रेंड ने मुझे दर्शन करवाया। और ये सेलिब्रिटी पंडित है, ही इज़ वेरी फेमस हियर इन काशी। तो यस, इन्होंने बोला था कि आप आ जाओ काशी। मुझे कई दिनों से आना था, प्लान नहीं बन रहा था। मैं यहाँ से एयरपोर्ट से आके चली जाती थी हमेशा हर वक्त। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार तो मैं जाऊँगी इंडिया, तो मैं पक्का जाऊँगी काशी। और आज बुलावा आ गया। यहाँ पे गंगा घाट है, गंगा घाट पे यहाँ पे सब लोग बोट में बैठने आते हैं। मुझे थोड़ा वीडियो शूट करना है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद गंगा आरती करेंगे। गंगा आरती करेंगे ना? यस यस यस।
यहाँ पे नव दुर्गा माँ का एक मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, तो काशी में मैं इनके दर्शन करने आई हूँ। तो इनको आदिशक्ति कुष्मांडा है, नव दुर्गा में चौथा स्वरूप। इन्होंने यहाँ पे राजा सुदर्शन को दर्शन दिए थे, तो इनकी प्रार्थना से फिर माँ यहीं पे स्थापित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भगवान की जो रानी भवानी। दुर्गा के दर्शन हो गए, अभी हम लोग संकट मोचन आए हैं। संकट मोचन हनुमान जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव। तो सबसे पहले दर्शन करेंगे संकट मोचन हनुमान जी के, और आज मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे करवाए। आज मेरा दिल खुश हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और वैसे भी आज मेरा फास्टिंग है। वीक में 3 टाइम तो मैं फास्टिंग करती हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली। यहाँ से वाराणसी मैं दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली से मैं कहीं और जाने वाली हूँ, तो आपको पता चलेगा ब्लॉग के एंड में कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो आपको भी दर्शन कराऊँगी जहाँ पर मैं जा रही हूँ, जिसके लिए मैं इंडिया आई हूँ वहीं पर ही जा रही हूँ। तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट। वाराणसी एयरपोर्ट अच्छा एयरपोर्ट है, इतना भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ ओपन हो गया है। पहले मैं आई तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे सीरियसली बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो मेरे दर्शन हर एक धाम में बहुत ही अच्छे हुए। मेरा कैसा रहता है कि मैं प्रोटोकॉल में चलती हूँ, और मैं एक धाम पकड़ूँ ऐसे नॉर्मली, तो भी मेरा 1 लाख खर्चा एक धाम में हो ही जाता है, डोनेशन से लेके प्रोटोकॉल से लेके। लाइक कोई मांगता नहीं है, लेकिन तो भी मैं हमेशा सामने से देती हूँ, डोनेशंस करती हूँ। तो यस, मेरा इंडिया आती हूँ तो मेरा तो ऐसा ही चलता है, और मुझे हर एक धाम घूमना है। मेरा कैसा है कि मैं इंडिया आती हूँ तो पहले मैं और कंट्री में घूमने जाती थी every 2 months, लेकिन अब कैसा है कि मुझे सिर्फ सिर्फ धाम ही घूमने हैं, और मेरे दर्शन हर एक धाम में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही है, प्रोटोकॉल के साथ ही मैं दर्शन करती हूँ, ताकि यहाँ पे भीड़ में मुझे खड़ा ना रहना पड़े। वैसे तो मुझे, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सेम ही है, लेकिन तो भी कैसा होता है कि मैं अकेली घूमती हूँ, अकेली चलती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं पर भी 4-5 घंटे लाइन में खड़ी रहूँ। तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेली लड़की होती हूँ, तो बेटर होता है कि मुझे नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट होती है पकड़ने के लिए, तो मैं एक दिन आती हूँ एक दिन जाती हूँ, और मेरा बैक टू बैक ट्रिप रहती है इसलिए। और काशी की ट्रिप मेरी बहुत मेमोरेबल रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और यहाँ पे काल भैरव मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे काशी विश्वनाथ आपको मैं दिखाती, लेकिन वहाँ पे तमन्ना भाटी आई थी 3-4 दिन पहले, तो उसने अंदर का गर्भगृह का फ़ोटो अपलोड कर दिया था, इसलिए सभी यात्री के लिए बंद कर दिया गया। इवन मैं भी प्रोटोकॉल में थी, तो मुझे भी नहीं उन्होंने अलाउ किया, इसलिए अदरवाइज़ मैं अलाउ अगर होता तो मैं ज़रूर आपके दर्शन करवाती, लेकिन यहाँ के दर्शन पाने से सब मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा सबका कहना है। मैं कोई मनोकामना के लिए तो नहीं आई थी, मैं दर्शन करने के लिए आई थी, और मैं कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, मैं लोगों के लिए ही मांगती। हर हर महादेव, आप लोगों की भी सारी मनोकामना पूर्ण हो, और आप सब लोग भी मेरे जैसी तरह हमेशा आगे बढ़ो।